नमस्कार, गाजीपुर की दिन भर की सबसे बड़ी 5 खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं जिले की पहली बड़ी खबर से। खानपुर थाना क्षेत्र के भुजहुआ के पास गांगी नदी में गुरुवार को दिन में घर से लापता एक युवक का शव उतराया हुआ मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बता दें कि सोनिया पार गांव निवासी सुरेश राम का पुत्र कवि 19 दो दिन पूर्व घर से लापता हो गया था। पुलिस लाइन गाजीपुर RTC में प्रशिक्षणाधीन रहे रिक्रूट आरक्षी का दीक्षांत परेड समारोह संपन्न हुआ। RTC गाजीपुर द्वारा अपने गौरवशाली इतिहास को आगे बढ़ाते हुए एक और प्रशिक्षुओं के बैच 2020 के लिए दीक्षांत परेड का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिलाधिकारी ओम प्रकाश आर्य और विशिष्ट अतिथि जिला जज राघवेंद्र रहे। सैदपुर थाना क्षेत्र के आगापुर महमूदपुर हथनी पुल के पास गुरुवार को दिन में गांगी नदी में नहाते समय पूर्व प्रधान का पुत्र डूब गया। आगापुर गांव निवासी पूर्व प्रधान जकीउल्लाह खां का 28 साल का पुत्र अख्तर नदी में नहा रहा था। इसी दौरान गहरे पानी में चले जाने से डूबने लगा। ये देख वहां मौजूद लोग शोर मचाने लगे, लेकिन तब तक पानी के अंदर वो समा चुका था। नगर पालिका कर्मचारी एक तो कोरोना में फ्रंट लाइन पर काम कर रहे हैं और दूसरी ओर उन्हें सैलरी ही नहीं मिल रही। कर्मचारियों को 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है। इसी मुद्दे को लेकर नगर पालिका कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार करते हुए जलकल परिसर में प्रदर्शन किया। अब प्रशासन ने वादा किया है कि 31 जुलाई तक सैलरी दे दी जाएगी। देवकली पुल के पास सड़क किनारे खड़ी खराब रोडवेज बस एक के बाद एक दो दुर्घटना का शिकार हुई। पहले मैजिक ने बस को टक्कर मारी, इसके बाद ट्रक ने रोडवेज बस को ठोक दिया। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि रोडवेज बस 50 फीट नीचे नदी में चली गई। इस हादसे में बस चालक को हल्की चोटें आई हैं। दुर्घटना के बाद मैजिक और ट्रक ड्राइवर फरार हो गए। गाजीपुर की ऐसी ही हमारी और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।